मैं था जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी के पास केवल 1000 रुपए थे, लेकिन उनकी मेहनत की बदौलत आज अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर और अमीर परिवार है। हम सभी जानते हैं कि देश का सबसे अमीर परिवार देश के सबसे महंगे घर में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर अंबानी परिवार अपने गरीबी के दिनों में कहां रहा करता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1960 और 1970 के दशक के बीच तेजी से बढ़ रही थी। तब धीरू भाई अंबानी अपने परिवार के साथ भुवनेश्वर जय हिंद एस्टेट में 2 कमरे के मकान में रहते थे। जय हिंद एस्टेट को अब वनीला हाउस के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय फला फूला, जिसके बाद वह कारमाइकल रोड पर उषा करण सोसाइटी में चले गए। सीविंस कोलाबा अपार्टमेंट तब अंबानी परिवार का नया घर बन गया, जो तब अच्छा चल रहा था जब भाई व्यापार को लेकर आपस में भिड़ गए। उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो गए। हालांकि अंबानी परिवार का पारिवारिक विवाद मीडिया से छिपा नहीं रह सका और यह मामला सार्वजनिक हो गया, जिसके बाद उन्होंने एंटीलिया का निर्माण शुरू किया जो 2010 में बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के चलते मुकेश अंबानी 2010 की बजाय 2013 में एंटीलिया में शिफ्ट हो गए। एंटीलिया देश का सबसे महंगा घर है, जिसके अंदर हर सुविधा है। 1 कमरे से इतने बड़े घर तक का सफर धीरू भाई अंबानी का न तो छोटा था और न ही आसान। कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से अंबानी परिवार इतनी ऐशो आराम की जिंदगी और नाम जीता है।